अलवर कचहरी परिसर स्थित संग्रहालय को देखने के लिए बाहरी लोग भी पहुंचने लगे हैं। यह देखकर उनको बड़ी खुशी हो रही है और साथ ही अलवर के इतिहास को जानने का भी मौका मिल रहा है। उन्हें प्राचीन हस्तशस्त्र, प्राचीन लिपि, प्राचीन काल की वस्तुएं देखकर भी खुशी हो रही है। विगत 2 साल से कोरोना काल की स्थिति यह रही कि इसमें दर्शकगण नहीं आ पाए। आज हम पहुँचे हैं म्यूजियम संग्रहालय अलवर में, जिसमें कि आप देख रहे हैं पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, जिसमें कि पर्यटक यहाँ अलवर की जो विशेष म्यूजियम है, इसमें जो विशेष प्राचीन काल वस्तुएं रखी हुई है उनको देखने के लिए पर्यटक गण आने लगे हैं और उनको ये देखकर बड़ी खुशी होती है। और यहाँ की जो विशेष प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं उनको भी मैं कैमरामैन के माध्यम से चाहूँगा कि दिखाएं। और इस तरीके की जो प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए पर्यटक गण भी आ रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति इतनी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाग पूरी सावधानी बरतने के बावजूद हमारे जो अलवर स्थित संग्रहालय उसको देख रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं भैया आप? सर हम आए हैं फरीदाबाद से। ये मेरे साथ हैं, फरीदाबाद से आए हैं। क्या विशेष देखा आपने इस म्यूज़ियम में? सर मेरे को तो पापा लाए थे क्योंकि उनका होम टाउन यही है जी, तो उन्होंने कहा 32 साल हो गए हैं, ज़रा चलते हैं तुम्हें दिखा के लाते हैं कहाँ पले बड़े हुए हैं। तो हम तो ये देख के आए हैं, चीज़ बहुत बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, कौन आया, कौन गया, किसने हमला किया, बाकी राजा महाराजा कौन थे। क्या क्या इसमें विशेष देखा है आपने यहाँ पर आके कि ये चीज़ बिल्कुल? एक तो सबसे पहले जो आप पहले हॉल में एंटर करेंगे वहाँ पे जो आइवरी का काम हुआ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जितनी बारीकी है उसमें आज तो कहीं देखने को भी नहीं मिलती, आप चाहे जितने पैसे खर्च कर लो। तो सबसे बड़ी बात एक विशेष जो कही जाती है कि कभी भी एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती है, और अलवर म्यूजियम के अंदर वो विशेष है। उस दृश्य को देखकर कैसा लगा आपको? भैया हमारे लिए तो एक तरह से ये ऐसा ही था कि आज से पहले ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी, तो किसी से कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा एक म्यान में 2 तलवार, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये एक ही है, एक ही रहे। क्या नाम है आपका? आनंद। तो आप मेरे साथ थे, अभी मैं आपको दिखा पा रहा था कि किस तरीके से वो बता रहे हैं फरीदाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। तो आप मेरे साथ थे, अभी मैं आपको दिखा पा रहा था कि किस तरीके से वो बता रहे हैं फरीदाबाद से आए हैं और इन स्थलों पर वो देखकर खुद को कितना खुश महसूस कर रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि किस तरीके की उनकी स्थिति रही है। और जो संग्रहालय के अंदर उन्होंने विभिन्न चीज़ें देखी हैं, बारीकी की चीज़ें देखी हैं, वो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। मैं और भी दर्शकगण आए हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो क्या कह रहे हैं इस विषय पर। जी आंटी जी कहाँ से आए हैं आप? जी आंटी कहाँ से आए हैं आप? हम लोग फरीदाबाद से आए हैं। अच्छा, क्या आपने देखा यहाँ पर, कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा जी, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू हिस्ट्री। बहुत सारी बच्चे चीज़ें हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखने का एक अलग ही अंदाज़ है और एक अलग ही समझ है। अलवर म्यूजियम के अंदर यहाँ पर इतिहास की भी विभिन्न वस्तुएं हैं, पुस्तकें हैं, उन्हें देखकर कैसा लगा है आपको? पुस्तकें अच्छी हैं, बट वो लिपि जो है हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि वो उस समय की लिपि थी। नेचुरली हिस्ट्री को दोबारा जानने का लुत्फ एक अपने आप में अलग ही है, बहुत कुछ अच्छा। नई जो यूथ है लगभग वो इतिहास को भूल चुकी है। हाँ। तो यहाँ पर इतिहास की काफी चीजें मिली हैं, आपने देखी हैं। हाँ जी। वो क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? उससे यही हमें पता चलेगा कि हमारी जो जनरेशन गॉन एरा के जो लोग हैं वो लोग कितने मेहनती थे, कितने अच्छे थे, जबकि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, बट उन्होंने सीमित सोर्सेज में भी अपनी चीज़ों को कितने बखूबी निखारा है और बखूबी उसको बनाया है बहुत ही खूबसूरती से। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है प्रेजेंट जनरेशन के लिए एक्चुअली। अभी अगर वो लोग इस मेहनत को समझ पाएँ तो उनका जीवन तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहे। अभी कितने समय के बाद आपने ये म्यूजियम देखा है यहाँ पर आकर? ऑलमोस्ट आफ्टर 32 ईयर्स, 32 ईयर्स। क्या नाम है आपका? आई एम संगीता। तो ये थे मेरे साथ फरीदाबाद से आए हुए, जिन्होंने कि यहाँ पर पूरा वो देखा है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ आकर खुशी हुई है और विशेष जो स्थिति है उसे देखकर उनको जो
आनंद हुआ है। यहाँ की जो विभिन्न भाषाएं हैं, यहाँ के जो शस्त्र हैं, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो प्राचीन वस्तुएं हैं, उन्हें देखकर जो इस तरीके की उन्हें खुशी हुई है, वो बड़ी उनको मन को प्रफुल्लित कर रही है। मैं कौशल शर्मा, अलवर न्यूज।